नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को आज एक बड़ी अपडेट आई है और उस अपडेट के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट ये है कि आज 3 अक्टूबर है और आज ही के दिन गोगो दीदी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका घोषणा पत्र जो है आप लोगों को पहले ही देखने को मिल गया था और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि 3 अक्टूबर से गोगो दीदी योजना का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 3 अक्टूबर है और इसी से जुड़ी हमारे पास कंप्लीट जानकारी है जो कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही अपडेट को पाने के लिए आज ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पेपर के कटिंग से तो आप अवगत ही होंगे। दोस्तों, इसमें लिखा है मैया योजना के जवाब में भाजपा ला रही है गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी योजना का मतलब ये होता है दोस्तों, ये संथाली भाषा है और इसका मतलब होता है माँ। माँ को ही गोगो बोला गया है। तो दोस्तों, वही योजना है। दोस्तों, ये तो आप लोगों के पास पुरानी कटिंग थी जिसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद क्या है कि आगे चलकर जो आज किस तरह से आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है उसकी क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि बालिका के जन्म के साथ ही मिलेगी सम्मान राशि, भाजपा के संकल्प पत्र में होंगे उल्लेख। ठीक ना, ये तो आपने जान लिया कि आपको जैसे ही बच्चा होंगे, बच्चे के जन्म के साथ साथ ही आप लोगों को 2100 रुपये मिलने लगेंगे। दोस्तों, इसमें बड़ी अपडेट ये है कि जितने भी 18 साल से, मतलब आपके घर में अगर 4-5 जन हो गए तो इस तरह से मान लीजिए कि 10-15 हजार तो ऐसे ही सरकार देने वाली है मंथली आपके घर में मिलने वाले। जितने भी बच्चे 2100 रुपये करके आप अगर आप लोगों को मिलते हैं तो बड़ी रकम आप लोगों के घर में पहुंचने वाले। दोस्तों, यहाँ और ये भी बात कहा गया है कि 2100 रुपये मिलने वाले। दोस्तों, ये चीजें आपने जान लिया। यहाँ पर आप एक चीज को देख सकते हैं कि 18 वर्ष की सभी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना शुरू हो गई है। ठीक ना, दोस्तों, अब एक चीज आपके मन में डाउट होगा कि जो आपका फॉर्म को ऑनलाइन का प्रोसेस है वो आपको किस तरह लिया जाएगा, तो उसका भी हम प्रूफ आइए दिखाते हैं आपको। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर के फॉर्म भराने की पूरी प्रक्रिया करने लगेंगे ताकि भाजपा की सरकार बनते ही महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगेंगे। इसके साथ ही हुल विद्रोह की नायिका फूलों और झानों के नाम से महिलाओं को, किशोरियों को कल्याण की योजनाएं लाई जाएगी। मतलब ये कि अभी आपको सिर्फ गोगो दीदी योजना ही मिलने वाली है, उसके साथ साथ में आपको फूलों झानों की योजनाएं जो है उसको भी मिलने लगेंगे, वो भी किशोरियों के लिए। तो मतलब ये बहुत बड़ी अपडेट होने वाला है। और दोस्तों, अब ये बातें आपको पता हो गया कि आपके घर घर जाकर के जो भाजपा के कार्यकर्ताएं होंगे वो आपके घर जाएंगे और वहां से आपका फॉर्म को कलेक्ट कर लेंगे। आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैया सम्मान योजना में आप लोगों को घर घर जाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजे थे और फिर सुबह जाकर के आपको पंचायत भवन या CSC सेंटर में जमा करने पड़े थे, उसी तरह से ये भी प्रोसेस होने वाले हैं, जिसमें से कि आप लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका आपका काम को आसान कर देगा अगर आपके घर जाकर के फॉर्म को कलेक्ट किया जाता है। तो ये चीजें हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बातें आप लोगों को इस फॉर्म में छुपाया जाता है वो ये कि आज की सच्चाई हम आपको बताते हैं। और सच्चाई ये है मेरे मित्रों कि एक चीज को आप यहां ध्यान दीजिए, यहां आप इस चीज को ध्यान दीजिए, भाजपा की सरकार बनते ही, मतलब ये जो गोगो दीदी योजना लाई गई है वो सिर्फ अभी घोषणा था सरकार की कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तब आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब अभी इसका कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आप लोगों के सामने ये घोषणा किया गया है कि अगर जीतेंगे हम तब ये आपको मिलेगा। फिलहाल आपको क्या करना है कि मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त आने वाली उसकी तैयारियां करिए, क्योंकि आज 3 तारीख हो गया, बहुत जल्द आप लोगों को मैया सम्मान योजना मिलने लगेंगे। जिन भी किसी का अगर आप कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका हम जो भी समस्याएं होगा उसका समाधान बताएंगे। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया है तो अभी भी पोर्टल सही तरीके से चल रहे हैं, आप अपना आवेदन करवा लें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को तीसरी किस्त मिल जाएंगे। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही तीसरी किस्त की अपडेट आएगी मैया सम्मान योजना की, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी जानकारी आप तक यूं ही पहुंचा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।